के हालात आपको बताते हैं। चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट राजस्थान में जारी हो गई है और दूसरी लिस्ट में कुल 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान के झालरा पाटन से वसुंधरा राजे को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर देखिए, बीजेपी ने अपने दूसरे लिस्ट का ऐलान कर दिया है और पिछले कुछ दिनों तक लगातार चुनावी कमेटी की हुई मंथन के बाद आज बीजेपी ने दूसरे लिस्ट का नाम जारी किया है, जिसमें कुछ वीआईपी नाम भी शामिल हैं और खुद मुख्यमंत्री की जो कैंडिडेट मानी जा रही हैं। और अब तक राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे को भी टिकट दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो 83 कैंडिडेट्स हैं इन सभी के सीट का ऐलान किया गया। इसमें झालरा पाटन सीट से वसुंधरा राजे को टिकट मिला है, सूरजगढ़ से संतोष अहलावत बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। हमारे संवाददाता हिमांशु फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज के इस लिस्ट में कुछ वीआईपी नाम भी हैं, कुछ फेरबदल ऐसे अहम आपको नजर आ रहे हो? जी बिल्कुल, देखिए दूसरी लिस्ट जो राजस्थान की आज जारी हुई है 83 नाम की, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बहुत सारे सांसदों को एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में कोई भी सांसद शामिल नहीं है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली लिस्ट जब आई थी, पहली लिस्ट जब आई थी राजस्थान की, उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। इसमें वसुंधरा राजे झालरा पाटन से लड़ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से जो ज्योति मिर्घा है, मिर्घा, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, तो ये इस लिस्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्योति मिर्घा को भी बनाया गया है। उसके अलावा 83 नाम की जो ये लिस्ट है, ये कल हमने टाइम्स नाउ नवभारत में चलाया था कि लगभग 84 नाम पर लिस्ट मोहर लग चुकी है और 84 में से 83 नाम की ये लिस्ट जारी हो गई है। एक बार फिर से तीसरी बार जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, बाकी के नामों की चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वसुंधरा राजे को उम्मीदवार बना दिया गया है और जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा, तो एक प्रकार से ये एक पहली कड़ी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। और यदि भारतीय जनता पार्टी, और देखिए आगे आने वाले वक्त में अब जो बचे सीट्स हैं उस पर बीजेपी कब तक ऐलान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।